अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आया। मैं एक मोहब्बत की एक और अमल तेरी बंगाल कतलिस्म में, ये मोहब्बत के काम आती है, तजुर्बा शुदा है, अच्छी काम करती है, जल्दी काम करती है और आसान भी है, ज़्यादा कोई लंबा तरीका नहीं है इसका। ठीक है, तरकीब में इसका बता देती है। इस अमल को करने के लिए आपको चाहिए एक तांबे का पत्रा, तांबा, ठीक है, तांबा का पत्रा मतलब एक छोटी शीट, ठीक है, वो चाहिए आपको, ये छोटी प्लेट आप कह लो वो चाहिए। तो कोई एक तांबे का पत्रा ये प्लेट लेकर के, ये जो तिलिस्म आप देख रही है इसको उसके ऊपर लिख लेना, किसी कील वगैरह से लिखना, ठीक है। अगर आप मार्कर यूज करेगी या आप कोई कलर यूज करेगी तो वो मिट सकती है, ठीक है। तो कील ले लेना, कील से आप इसको जो है उस पर लिख लेना। लिखना कब है? जुमे रात के जुमा का दिन सुबह पहली सात में सुबह की किबला की तरफ मुकर के इसको बना लेना, ठीक है। जैसी बनी हुई ऐसी बना लेना ऊपर से नीचे तक, ठीक है, कोई चाल वाल का कोई चक्कर नहीं है। तांबा का प्लेट पे बनाने के बाद नीचे आपने नाम लिख देनी है, जिन दोनों के दरमियान, जिन लोगों के दरमियान मोहब्बत करवानी है या निकाह का काम है, मोहब्बत का काम है, जैसा भी काम है, वो मकसद के हिसाब से, ठीक है, वो आपने नीचे लिख देनी है। फला बिन फला, पहले एक शख्स ही नाम, पहले नाम आएगी, उसके बाद बिन या बिनते, मर्द के लिए बिन, औरत के लिए बिनते, उसके बाद उसकी माँ का नाम, उसके बाद मकसद आ जाएगी, मोहब्बत है, निकाह है, रिश्ता है, जो भी है, उसके बाद दूसरी शख्स की नाम और उसकी माँ का नाम, ये आ जाएगी, ठीक है। ये तिलिस्म आपका तैयार हो गया। इसके बाद आपने इसे किसी ऐसी जगह पे दफन करना है या चिपका देना है जहाँ पे ये गर्म रह सके, आग के नीचे दफन कर सकती है, चूल्हा के नीचे दफन कर सकती है, तंदूर है तंदूर के अंदर डाल सकती है, ठीक है, भट्टी के अंदर भी डाल सकती है। तो ऐसा किसी जगह पे जहाँ पे ये गर्म रह सके, बस जैसे जैसे ये गर्म होगी वैसे वैसे महबूब का दिल जो है वो भी आपके लिए तड़पना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगी। तो जो करना चाहती है कर सकती है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अमल का इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम।